अगर आज के समय बॉलीवुड और टॉलीवुड में कंपैरिजन किया जाए तो बॉलीवुड के मुकाबले टॉलीवुड यानी साउथ फिल्मों की हाइप काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक वक्त था जब टॉलीवुड को दुप्पल और फेंकू जैसी फिल्मों की संज्ञा दी जाती थी, लेकिन एक वक्त आज का है कि अब टॉलीवुड में भी एक से बढ़कर एक फिल्में बनने लगी हैं और इसलिए बॉलीवुड से कहीं ज्यादा साउथ की फिल्मों को पसंद किया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों ये सब हुआ है साउथ इंडस्ट्री के उन राइटर और डायरेक्टर्स के दम पर जिन्होंने फिल्मों की बेहतरीन कहानी लिखी और इस कहानी को एक खूबसूरत डायरेक्शन के साथ फिल्मी पर्दे पर प्रेजेंट किया। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के उन टॉप 10 राइटर्स और डायरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने अपनी कहानी और फिल्मों के जरिए साउथ इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो इस लिस्ट में नंबर एक पर है एसएस राजामौली। आपको बता दें एसएस राजामौली का नाम साउथ इंडस्ट्री के राइटर्स और डायरेक्टर्स में सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि एसएस राजामौली पहले एक ऐसे राइटर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने साउथ सिनेमा को ना सिर्फ बॉलीवुड के लेवल तक बल्कि बॉलीवुड से भी कहीं ज्यादा ऊपर लाकर रख दिया है। और ये कमाल किया है उनकी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग, बाहुबली 2 द कंक्लूजन और साल 2012 में रिलीज फिल्म RRR ने। नंबर दो पर है मणि रत्नम, जिन्हें तमिल भाषाई सिनेमा में क्रांति लाने वाला साउथ सिनेमा का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर भी कहा जाता है। इन्होंने तमिल लैंग्वेज में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। आपको बता दें बॉलीवुड फिल्म दिल से और गुरु के राइटर भी मणि रत्नम ही थे। नंबर तीन पर है एस शंकर। एस शंकर भी तमिल इंडस्ट्री के फिल्म निर्देशक और निर्माता हैं। आपको बता दें एस शंकर ने साउथ इंडस्ट्री को कई हिट और सुपरहिट फिल्मों के अलावा तकरीबन 8 ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी हैं, जिनमें शिवाजी, एंथीरन, ननबन और पैन इंडिया रिलीज 2.0 जैसी फिल्में भी शामिल हैं। नंबर चार पर आते हैं त्रिविक्रम श्रीनिवास। त्रिविक्रम श्रीनिवास भी तमिल सिनेमा के ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और इनकी कई बेहतरीन फिल्मों का भी साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा योगदान रहा है। इनकी मोस्ट वांटेड फिल्मों में जुलाई, सन ऑफ सत्यमूर्ति, अरविंदा सामेता और अला वैकेंट पोरमल्लो जैसी फिल्में शामिल रही हैं। नंबर पाँच पर आते हैं मुरुगदास। मुरुगदास भी साउथ इंडस्ट्री के ही निर्देशक हैं। इन्होंने गिल्ली, आदुकालम, विसारानाई और 96 जैसी मुख्य फिल्में देकर साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा योगदान दिया है। नंबर छह पर है उपेंद्र। उपेंद्र साउथ इंडस्ट्री के एक एक्टर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हैं और इन्हें साउथ फिल्म उपेंद्र, सुपर, टोपी वाला और उपी 2 जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। नंबर सात पर है विक्रम के कुमार, जो कि साउथ इंडस्ट्री के राइटर और डायरेक्टर दोनों ही हैं। इनके नाम भी साउथ की कई हिट और सुपरहिट फिल्में हैं, लेकिन विशेष तौर पर इन्हें 13 भी फियर है जो न्यू एड्रेस, इश्क, मनम और 24 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है कोराटला शिवा का। कोराटला शिवा भी साउथ इंडस्ट्री के एक जाने माने और एक बेहतरीन राइटर और डायरेक्टर दोनों ही हैं। आपको बता दें साउथ की बेहतरीन फिल्में जिनमें मिर्ची, श्री मंथुड़ू, जनता गैरेज और भारत अने नैनू शामिल हैं, वो इन्हीं की देन हैं। नंबर नौ पर है हरी। ये भी एक राइटर होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हैं और इन्होंने भी साउथ सिनेमा को हाई रेटेड मूवीज दी हैं। वैसे इनकी टॉप फिल्मों में सामी, आरू, सिंगम और सिंगम 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। नंबर 10 पर है पीएल रंजीत। आपको बता दें रंजीत को तमिल इंडस्ट्री में एक न्यूकमर्स डायरेक्टर के तौर पर जाना जाता है। इनकी बेहतरीन फिल्मों में मद्रास, कबाली, प्रियरम पेरुमल और सरपट्टा परम बराई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों ये हैं साउथ इंडस्ट्री के वो टॉप 10 डायरेक्टर्स जिन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए साउथ सिनेमा को बॉलीवुड के कंपैरिजन में कर रख दिया है। खैर अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से डायरेक्टर की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।